प्रकृति की गोद में सब दर्शकों के स्वागत बाते। अभी हमने है जा पेथा इलाके में धूप कड़ी धूप खिलल बाते, साथ में खूब गर्मी भी बाते। आज हमने रुख कर अब जा देश के दक्षिण पश्चिम में बिलोम इलाके में, जो इनकी अपन प्राकृतिक सुंदरता खातिर बहुत ही मशहूर बाते। और आज की हमने के जो गाइड हवन NPCS के साइंटिफिक बल्कि एक्टिंग साइंटिफिक अफसर आराधना गौरी, साथ में असिस्टेंट पार्क रेंजर ईश्वर दत्त चुनी भी हमन, आप दोनों के नमस्ते नमस्ते, स्वागत बाते प्रोग्राम में। आराधना जी, हमने के बताओ, हमने के दर्शक लोग खातिर आज हमें कहाँ जाप सर, साथ में कुंच देखा जा। आज हम पेथा से पेन शॉपाय जाप सर, एक पाको हो पेन शॉपाय से बेलोम हाई पाकुआ में तरह तरह के ज्वाजो लौकी, चिड़िया लौकी, कास्काड लौकी और दो तीन गो प्लस जहाँ हम रेस्टोरेशन कर ले हुआ लौकी। अच्छा, तो बुझाता आज की जो यात्रा बातें बहुत ही दिलचस्प बातें, जैसे कि आराधना जी बतैलन हमने के प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे, साथ में पक्षी भी बातें पंछी भी बातें। तो चुनी जी, अब हमने के बतावा आज की यात्रा कौन तरह से खास रही? आज के यात्रा जो बा हमने प्लान सौंपाए से शुरू करब जा एगो डिस्टेंस 9 किलोमीटर के बाद वो एंट्रेंस पर प्लान सौंपाए से शुरू होला के बोला सा बेलोम कोच और हुआ से लेके 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बा हमने के बेलोम आए के। तो यही हमने के मेन ट्रेल है, हमने के जो हाइकर्स लोग बा यही रास्ता ले वेला यात्रा चाहिए के। तो दर्शक लोग के बता रहे लाजा, अभी जो स्थल पर जाप जा वो बहुत ही मशहूर बात है, वो पर्यटन स्थल है, साथ में बहुत से मॉरिशियन लोग भी हो जा दौरा करे लन जा। हम ई बोलब, यदि आप लोग के मौका नहीं मिलल बाते ई इलाका के दौरा करे के, तो आप भी हमने के संगे संगे चला। हमने के रास्ता जो बेलोम लेक लेके जाला, ई रास्ता में चल के जेबा तो लोग के जगह जगह पर व्यू पॉइंट्स मिली, जन तो लोग के दक्षिण पश्चिम के ओर के नज़ारा बताए। और तो लोग के मिली डिफरेंट टाइप जंगल देखे के, जो हमने के नेटिव फॉरेस्ट बाटे ओकर में तो लोग के मिली हमने के जो नेटिव चिड़िया लोग बा लोग के सक बजा देखे। तरह पितरे से सबसे अत्ते रुख करने जा प्लान शॉपाइन, बरसाती इलाका होविला के बावजूद उस दिन मौसम सुहावना रहल। आराधना जी, अभी जो रास्ता पर है जा, ये रास्ता हम के कहाँ पर ले जा रहा है? रास्ता हुआ हम के बेलोम फिल स्टेशन ले जाए है। रास्ता हुआ जैसे हमारे कोलेग चुनी बोले हुआ है, रास्ता हुआ 9 किलोमीटर बाटे। सब कोई जा जो आवे लांस है फाकवा में है, रास्ता हुआ 9 किलोमीटर चल के जा लांस बेलोम, फिर से 9 किलोमीटर चल के आवे लांस। अच्छा, मतलब कि ये रास्ता पर पैदल चहला जाए के? हाँ, पैदल चहला जाए के गितने वो पैदल। तो कहीं ले सकब जा है जा, मतलब कि वो गाड़ी द्वारा जाए है? रास्ता वो बनल बाटे सब सब कोई के खाते में बाटे गाड़ी के नहीं है रास्ता हुआ इंसान के पास इंसान खाते हैं। हाँ, अच्छा जाने था है रास्ता हुआ का है इतना लॉस बाटे एगो प्रॉब्लम हो चाहे इमरजेंसी में कोई के निकाले के, तो हमने के काट काट आवे ला ले जाए। अच्छा, और रेस्टोरेशन जब करना सर ना, तो लाबोरेटरी बोल के लेके जाए लान सर, वहाँ छोड़े लान सर, रेस्टोरेशन करेंगे सर,
तब फिर से ले जाए रास्ता। अच्छा तो दर्शक लोग के हमने ये बताओ जा कि रास्ता जो बातें खास रूप से पैदल लोग जाने जा हाइकिंग करे, पर यदि कोई इमरजेंसी हो वाला जैसे कि आराधना जी बतेलन को रेस्क्यू ऑपरेशन रही तब ये रास्ता के इस्तेमाल करल जाला। अच्छा तो चुनी जो हमने के बतावा ये रास्ता पर है जा क्या ही में मतलब कि कोई खतरा नहीं बताए कोई आदमी सकी अकेले जाए जा खौदने करे रास्ता में सेफ बाटे क्योंकि हमने फ्रीक्वेंट पेट्रोल कर जा रास्ता में हमने की जो पार्क रेंजर्स कार्ड है सर हमने एमे सुबह दीपा जब खाली भी नहीं कर जा एक में ताकि हमने के जो हाइकर्स लुबा लोग के सेफ्टी खाती इस तरह से यदि लोग जैन जा घूमे हाइकिंग करे तो कौन सावधानी बरते के चाहिए जैसे जाने रहा यहाँ पर ये लाखों की उम्मीद है तो यहाँ पर ही चाहिए हमने के हमेशा एगो पॉलिसी ले ले आई के चाहे एगो निमन जूता डाले के कि सगबा अच्छा ली निमन से तो लोग के पैर में कोनो मोच नहीं आए और तो लोग के चाहे पानी ले के कि यहाँ पर ही सगरो सगरो पानी के सुविधा नहीं बा तो अपन पानी चाहे ले ले आए के और कुछ खाए के और एगो फर्स्ट एड बॉक्स रही था बहुत अच्छा रही तो लोग के चले खातिन। अच्छा पर अभी भारी गर्मी में देखते जा बारिश भी नहीं होता कड़ी धूप भी हुई बात है तो ऐसे में आराधना जी हमने के बतावा कि मतलब कि बहुत से लोग आवेलन जाए जा पड़े बहुत से लोग आवेलन सा चाहे जाने के आज कड़ी धूप बात है जैसे जैसे मत करब लॉन्ग लामाओ सब पहने ऑची लखन ऑची मुस्टिक सेवी करिए कास्केट सापो किने चले हर सब प्रिकॉशन चाहिए लेके और एगो चीज चाहिए लेके एगो सका जो सब चीज हमें डाल दिया जब चल बता एगो पुआल करी और ओके अच्छा से सकबर चली बैलेंस कर ले अपने के लेको बैलेंस रही। अच्छा तो दर्शक लोग के बता रही ला जा कि प्रकृति के करीब रहला से हमके सेहत जन रहेला वो अच्छा रहेला सेहतमंद रह कहे के हजा प्रकृति में बहुत सुंदर नज़ारा तो बातें ही साथ में हजा परी स्वच्छ हवा बातें ऑक्सीजन बातें प्योर मतलब कि पॉल्यूशन भी नहीं बातें प्रकृति के करीब रह सेहतमंद रह। ग्लेन शांपाई में रुकने जा ट्रेल पर जहां लोग हाइकिंग करे रह जा हाइकर लोग खातिर जंगल के बीच सफर करे खातिर एगो साफ रास्ता बनावल गल बा। चलबत दोनों तरफ हरियाली दिखाई दे जिनकी मार्ग में छाया के साथ साथ शीतलता भी प्रदान करेला। बेलोंभ तक जाए के 9 किलोमीटर लंबा रास्ता हमने करीब 500 मीटर ले पैदल चलने जा। एगो खूबसूरत मोड़ पर पहुंचला पर हमने की थकावट गायब होकर कहे कि हो जाके व्यू पॉइंट के नजारा मुग्ध करे होला रहल। बोलिए अभी हमने बीच प्रकृति में खड़ा है जा मेन रोड से करीब 500 मीटर की दूरी पर चला पल हमने पहुंचल है जहाँ जबरी जो कि एक तरह से गो व्यू पॉइंट सकब जा बोले हमारे पीछे सकबर जा देखे समंदर के बहुत ही सुंदर नज़ारा और साथ में उधर एगो पर्वत भी बातें और हमने हरियाली से घेरल है जा तो चुनी जी थोड़ा सुन इस जगह के बारे में बताओ हमने के यहाँ पर ही देख हमने के जो व्यू पॉइंट बा बहुत ही खूबसूरत बा यहाँ के जो नज़ारा मिली तो लोग के हमने के जो समुद्र तट बा बेलोम सेंट फेलिक्स
रिविया दे गाले और लापरी के और तलो के नज़ारा मिली देखे के। और उधर देखब तो हमने के जोन पहाड़ बा पीतों सावान हुओं पर ही हमने के एगो ट्रेल बा जोन रिकमेंडे बा हाइकर्स लोग खातिन और लोग सकें जा चले उ ट्रेल वा हमने के मेन रोड से लेके जोन रास्ता बा हुआ से लेके 7 किलोमीटर जाला 7 किलोमीटर और 2 घंटा में तो लोग सब बजा वो थाजे कर दी तो वो पहाड़ के चोटी पर तो लोग के ले जाए। अच्छा ते दर्शक लोग के बुला पर आप जरूर है जा पर रहिया और है जा के जो सुंदर नज़ारा बातें स्वच्छ हवा बातें मनोरम मनमोहक वातावरण बातें ओकर लुप्त आप जरूर उठाया। जाके मनोरम दृश्य के निहगला के बाद हमने गाड़ी द्वारा बिलोम के फिल स्टेशन गेने जा। बिलोम के ई नेचुरल फॉरेस्ट ब्लैक रिवर गोज के पार्क के अंतर्गत ही आवेला है। हैजपरी वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन से जुड़ल कुछ लोग देखने जा जिनकी पक्षी लोग के देखभाल करे लन जा। गर्मी के थपेरा खेला के बाद वो लंबा सफर करला के बाद हमने पहुँच के नहीं जा बिलोम के जुल फिल स्टेशन बाते और हिजा परी ऐला पर गो बहुत ही सुहावना मौसम बाते आसपास में बहुत सी चिड़िया के चहचहाहट सक वजह सुने हजा के प्रकृति एकदम से शांत बाते हजा ऐला पर गो अभूतपूर्व आनंद भी महसूस होवत बाते। तो आराधना जी थोड़ा सुन समझावा कहाँ पर हैं जा भी अभी हमी प्लान शॉपाई से गते गते आई सा बिलोम हियाँ है सा बिलोम फिल स्टेशन यहाँ गो रिली साइड बाते पिंक पीजों के और एको पारा चीज के यहाँ देखा था वैसा हमनी सौभाग्यवती है ऐसा कि हमनी 4 गो पीजों एक एक कुछ लोकल और आल हवन सा हाई पीजों वन खाए खाते तो गते गते जायें सा खा के फिर से चल जाएं सा अपनी घोसला लगे गते गते आयें सा देखा यहाँ पर ही हमने के एको पारक की तो के रिसाइड बाते रिलैक्स मुद्रा में पेड़ की डाली पे स्थित पिंक पिजन हमी के देशत पंछी जिनकी खाली बारिश में पाल जला एकर आबादी पर नियंत्रण रखे खातिर एकर पैर में एगो रिंग लगावल गलबा। पिंक पिजन जिन की हमने के देश को एगो एंडेमिक पंछी है और जिन की एंडेंजर समझल जाला यानी कि जिक्रा लुप्त हो के खतरा बाते तो आराधना जी थोड़ा सुन ये पंछी के बारे में बताओ हमने के जनेला है पंछी हुआ करीबन 1980 में 25 को रहल अब आज के पॉपुलेशन अभी रों बोला करीबन 400 बाते है
पिजो हमने पिजो पिजनवुड एगो फिल स्टेशन वहाँ से लेके हम के एगो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर बाटे ब्लैक रिवर में वहाँ के पाल पोस के यहाँ आई सब रिलाशी करी। अब देखा था हाई बलिए एगो बलिए खास है पिजो खाते एगो सेपरेशन बाटे ओकर खाना बाटे जब चिड़ियाँ आवेला जाला औदा खा के तब खा के ओकर खोसा भीतर जाला मलाल रही तो हमने जब ऑब्जर्व करब सब तो देखब सब मलाल बाटी तो है हाई खिड़की हुआ बंद कर देब सब यहाँ से जाके देखब सन मलाल बा कि नहीं कुछ खाओ बा ओके सुवाई करके फिर से खिलाश कर देब सब। और मतलब कि देश में जगह जगह इस तरह के जो क्लब आते हैं लोग बनाए ले पार्क में करीबन छह गो हिल स्टेशन बाटे पेट्रा बा प्लेनियर बा पिजन वुड बा कॉम्बो बा और आंदे पार्क में आठ गो प्लास बाटे एगो वाली फैने और एगो शामारेल बाटे और एगो चिलिल बाटे इलोजेगत वहाँ पर ही बाटे तो हाई सब पॉपुलेशन हम के पिंक पिजों के सब पॉपुलेशन जैसे बोले ला सा छोटा छोटा सब पॉपुलेशन हाई पॉपुलेशन पिजों के बड़ा करके चार सर करीबन चार सर से हो गल बात। तो कैसे आप लोग ये जगह के चुने ला जा मजे कैसे आप लोग ये लोकेशन के चुने ला जा ये सब मतलब कि पिक जन के पाले खाते जने ला आगे पिजों दे माओ दिल मोरिस में भर रहा है। अब गते गते जैसे उकर आबिता डिट्रुया होल तो वो है जो सिर्फ पिजन पिजनवुड में रहल कहे पिजनवुड वहाँ पर ही एंडेमिक पी एंडेमिक बाटे ला फोरे बाटे उकर घर रहल हुआ तो हमने सब सोचला कहाँ पर ही रिलाश करब सा तो बोले सब हियाँ उकर पाकवा में गते गते रेस्टोरेशन करके सप्लीमेंटरी फी डाल के बजीसा हियाँ वे सब कर शुरू करी सा तो गते गते हियाँ करके पकवा में जब बोलिए सब के पॉपुलेशन अच्छा बाटे बोलिए ऐसे आर एगो सुरक्षा खातिन आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस चुनने सा लोजे ग्रेक वो छोटा चापू वाले फैने जहाँ बम्बू रेज में बाटे एयरपोर्ट फिरे आर एगो शामारे लागे तो गते गते ए पापिये करत है सा कि तनी सुन फ्यूचर में हमनी तनी सुन पिजों दे मा भरी मोरिस में सकी लोग के अच्छा दर्शक लोग के बता दे जा एनपीसीएस के जो प्रयास बाते ई पक्षी के फैलाई के ओकर नतीजा सामने बाते कहे कि आज 400 से जस्ती जैसे कि आराधना जी बतेलन 400 से जस्ती पिजों पिक पिजन जन बाते देश में फैलल बाते और ई भी बताओ कि ई जगह पर जहां खड़ा है जा बहुत से मच्छर बाते हजा परी हमनी के जो बिंधन बाते तो चला आगे दिखला जा हजा परी और कौन से बाते पिजन के बाद हमने इको पाराखेत की ओर बढ़ने जा अपन टीम संगे थोड़ा सुन दूरी पर चलला पर उपिंजरा तक पहुंचने जा जहां उन लोग के खाई के दीवल जला Yeah.
तभी हमने बेलूम फिल स्टेशन के दूसर रिलीज साइट पर है जा जहाँ पर जो इको पाकिद बातें वो भी एंडेमिक पंछी है हमने के देश के उकर पालन होवेला। आराधना जी थोड़ा सुन ये पंछी के बारे में बताओ। हाय पंछी वा हम के करीबन 750 बातें उकर पार्क में दुगो प्लस बातें यहाँ एगो जैसे बोले सा बेलोम और दूसर बातें ब्रिज फेयर और पार्क के अलावा अब यहाँ हाइजवाजोवा वाले फैनी में बातें और शमागेल हुई बातें हाइजवाजोवा के खास है ग्रोस कैटोवेल जैसे हम ये बोले ला सा है एंडेमिक है जैसे बोला उकर चोंच डिफरेंट बातें मेल और फीमेल के मेल के चोंच लाल बातें लाल ऑरेंज बातें और फीमेल के काला बातें और जाने ले हमने मॉरिस में चिकाटो बातें चिकाटो और ग्रोस कैटोवेल में डिफरेंस बाकी हम की ग्रोस कैटोवेल तेल सुन बड़ा बातें और वेयर फोंसे बातें और उकर खास बातें उकर मर्द और फीमेल के फासिल मां डिफरेंसिए सक बस सकरे और कुमा कैसे जैसे बली है ऐसा ग्रोस कैटोवेल हमने की एंडेमिक जाजो हा तो क्या एकर भी लुप्त हो के खतरा बातें उकर पॉपुलेशन करीबन 1980 में 25 हुए रहल अभी उकर पॉपुलेशन 750 हो गल बाटे गते गते 800 सकी होए हाई पॉपुलेशन वन जाने ला 25 ले 750 800 एको छोटा काम नहीं है बहुत कई काम करें सा अंडा लेके हमने गैली से रिवियनोर हुआ गो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर बा हुआ से अंडा से छोटा चिड़िया बड़ा हो गया तो हिया ऐसा रिलैश कर लिया जब रिलैश कर लिया सा तो उकर खाना दे लिया सा उकर गुलाकाज बने लिया सा फिर उकर घोसला स्पेशल घोसला बनाई ले बाते मालेरेज़मा हिया ने सब ने बाते सेमा उकर घोसला जन बाते उके नितवाई कर लिया सा उकर कॉम्पिटिटर जैसे महीना बाते उके निकाल के तब ब्रीडिंग सीजन में उके बहुत खास वीआईपी ट्रीटमेंट दिला ऐसा तो आज हमने के रिजल्ट बा 750 स्वास्थ्य नहीं तो हमने के ये बतावा ये जो ने एको पकाकी जो ने बातें उकरा कौन जगह खतरा बात है अभी आ हबी उकर खतरा बातें प्रेडेटर उकर बाते प्रेडेटर चुवाई गो प्रेडेटर हा मिनी गो प्रेडेटर हा डिस्ट्रक्शन कर हैबिटेट के हवो गो प्रेडेटर हा खाना नहीं मिलेला हयो कंपटीशन बाते डिफरेंट एस्पेस के जैसे मैना चिकाटो है सब खतरा हो उकर। अच्छा तो ये कहते रह जा पर ये गो घर बना के आप लोग उकरा खाना दे बैठा जा हाँ है वही स्पेशल हा तेने हाय भैया बात तेने सुन डिफरेंट बाते पिग पिजन जैसे हाय जान देखा था बात तेने सुन ऊपर बाते तो जब उकर खाना गिरे ला वो जाला नीचे उकर खाना खाए खोजे और हम की होपर्स बाते उकर हांत्रे होके आयला खाना अब हम होपर वाच करे ला सा भजरे भजरे तो देखा सा एगो मालाद बाते ता हाय उकर लाखने तो आप बंद कर दे ला सा जाके देखब सा कुछ होल बातें जैसे वाके उकर स्वाइन करब सा फिर से रिलैक्स कर दें सा। अच्छा तो पिग पिजन और ग्रोस कैटोवेल के बाद अब रुक कर अब जा दूसर जगह जहाँ पर हम कैस्ट्रेल के ढूंढ अब जा। हाँ चला Thank you.
नेचुरल फॉरेस्ट के बीच हमने एक स्थल खोजे ढूंढ निकलनी जा, पर दुर्भाग्यवश हमने के नए लोकल पर ये भी हमने के देश के गो एंडेमिक पंछी है सकब जब बोले आराधना, थोड़ा सुन ये चिड़िया के बारे में और विशेषता पर बोला। हर चिड़िया वह हमने के यूनिक प्रेडेटर है बाते चिड़िया में भी एक प्रेडेटर है बाते हर जी एगो फैमिली फोकों के सक बस बोले और चोंच से निशुल फोकों जैसे न बाते करीबन 300-350 बाते हबी हाई पॉपुलेशन लिल मोरिस के हा हमने के कैस्ट्रेल के पॉपुलेशन ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में बोली लासा हम के ईस्टर्न पार्ट के जैसे बोली लासा बॉम्बू रेंज एयरपोर्ट भीड़े हुआ पर एगो बहुत बहुत बढ़िया पॉपुलेशन बाते यहाँ पर हम के पॉपुलेशन के कुल करीबन 25 बाते और यहाँ पर एगो जैसे बोला था कोची गो थ्रेट बाते कोची ओकर प्रेडेटर करीला है केस्ट्रेल वाके यहाँ के प्रॉब्लम है हमने के केस्ट्रेल के घर को वो घोंसला नहीं खोजेला वो है पेड़ के एगो काविटी खोजेला यहाँ पर एकदम काविटी नहीं बा फालेज नहीं बा हमने के पेड़ों में जैसे ट्रूने बा तो हमने एक खास खोसा बनी ले सा कारे बाते चिरावा जला हुआ रहेला हमने देख लिया सर कि पॉपुलेशन में जिमिनी हो जाते हमने एक प्रोग्राम लॉन्च कर लिया से एक दो साल हो गए और गते गते हमने अंडा लेके बॉम्बू रेम से अनिलास रिवियनवा वहाँ से चिड़िया आवेला चिड़िया वा के हिया छोड़ला से और रिलैक्स करला से ओकर बोतवा में से काहे बोतवा में से बोतवा से जानी है तो ओकर घर है हिया ओकर घर बाते तो जाए खोजे खाना फिर से चलाए जैसे बोला सा एक ज्वाजो जहाँ से अंवोले होला वही जाने ला है हमर घर है तो सब ज्वाजो के का जब हम ट्रांसटोकी करेला सा तब ओकर लास्ट टेंशन जब टेंशन अंवोले होला तब लेके आयला सा रिलैक्स करे नहीं तो ई चिड़िया के है जब पर आप लोग कौन खाना देवे ला जा यहाँ पर ओकर खाना नहीं देवे ला ऐसा ओके ओकर खाना खोज के चाहिए आने के तो है ओकर नाचिया बाते ओकर प्रेडेटर बाते जाए बा खोजे के हाँ एक दो बार मौसमों में एगो कुछ देवे ऐसा एगो चीक एगो पुसान जैसे बोले ऐसा फिर ओके डिप्रोई करके चाहिए हमने लड़का नहीं बाते जैसे हाँ रोज टेप सब खा के हई पंछी हुआ के ओके चाहे डिप्रोय हो के ओके चाहे अपने आप ओकर खान पान खोजे के तो हमने के जंगल में ओकर पर्याप्त काफी खाना बाते मिला ओकरा हाँ छोटा छोटा ज्वाजो बाते उसके बुलबुल जैसे हमने बोला सा मालागास्का चूहा गेको लेजा है सब बाते तो जाला खोजे तो हम के ज्वाजो के ओकर काम है खामा के उठ के जाला खोजे खाना खाना खोज के आए तब खाए रोज नहीं मिली खाना जब मिलेला अच्छा से खाला और पुआ भरेला गति गति तो इस तरह आज के प्रोग्राम में हमने खास रूप से बेलोम के जन फौक बातें हजा परी हमने एक पर फोकस करने जा पिक पिजन इको पराकित और साथ में कैस्ट्रेल के भी खोज करने जा पर आज हम के नहीं मिला पर ये इलाका बोलब जा काफ़ी बड़ा बातें हजा परी और भी बहुत से आकर्षण बातें आकाक्षों बातें जिनके हमने के आवत प्रोग्राम में आप लोग के ज़रूर बताओ जा तो आज खातिर हमने के गिद रह लन साइंटिफिक अफिक्स अफसर जो हवन आराधना गाँव
गौरी साथ में पार्क रेंजर चुली जी भी रहन हम दोनों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जा बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक संगे आज के प्रोग्राम के हमने विराम देव जा पर आवत हला हमने फिर से हैजा पर ही लौट जा और हैजा पर जो खूबसूरती बातें उकरा दोबारा उभारब जा एक संगे अनुमति द नमस्ते।